आज हमारे साथ है बहुत दिनों के बाद हमारे साहिद भाई। जो बंदा थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, 11 पानी की बोतलें पी गया बंदा सुबह। हैरी सुना दे साहिद वाली। कौन सी? गम वाली और खुशी वाली। हम भी खेल ले भाई, चला जाओ। अभी देखो गाइस, सनसेट वगैरह सब कुछ हो गया है। तो गाइस अभी हमने नलके का पानी पिया, अब हम पियेंगे हैंडपंप का पाइप। तो आपको पाइप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आ चुके हैं हम वापस अपने एक नए व्लॉग के साथ। और आज हमारे साथ है बहुत दिनों के बाद हमारे साहिद भाई, जो कि अभी बहुत सीरियस है। इनके साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं आजकल। तो कैसे हादसे? हादसे हो रहे हैं भाई, बहुत मोटे मोटे हादसे हो रहे हैं उनके साथ ना। तो ये बंदा थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है, तो मैं इससे बहुत दिनों बाद मिलने आया हूँ और इसको थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई कोई सीन नहीं होता रहता है। तो अभी हम हैं कोठों में और अभी हम कोठों कर रहे हैं एक्सप्लोर, और कोठों की जगहें देख रहे हैं हम। साहिल का घर है जहाँ पे, मतलब रूम है जहाँ पे, वहाँ पे हम देख रहे हैं क्या सीन पानी है यहाँ का। और बस तो भाई डिप्रेशन में है, परिवार को बता ही देगा। तो सबसे पहले हम के जहाँ पे लोग सारा कूड़ा वगैरह फेंकते हैं वहाँ पे पहुँचे हम। यहाँ पे तो भाई मचा रखी है बहुत गंदी गाड़ी, और इसमें से कुछ कुछ उसने फेंक रखा है। भाई इसको साफ सूफ करो यार, क्या कर रहे हो तुम? किसका फोन आया? दीपक का। कौन दीपक? जेब से लग गया हो। अभी मेरे को खांसी हो रखी यार, अब गला बैठ रखा है, क्या करना। तो अभी मेरे फोन से ना इसको फोन हो गया अपने आप ही। तो अभी हम दिखाते हैं आपको कोठो का ऑडिटोरियम, जहाँ पे हर सैटरडे को मूवी लगती है, जो रिलीज होती है ना लेटेस्ट, वो चलती है यहाँ पे, है ना। मैंने तो देखी नहीं भाई। मैं आया था एक बार, मैंने देखी थी। ये देखो गाइस, ये इतनी बड़ी हवेली है और ये पूरा ऑडिटोरियम है जो कि गवर्नमेंट का है, जो हमारे को भाई निपटाया हुआ है। भाई यहाँ रहते हैं, इनको पता ही होगा। गाइस देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर ये पेड़ है, पता नहीं किस क्या बोलते हैं इसको, हमारे को तो नहीं पता, और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं देखने में। और ये है ऑडिटोरियम, दो बहुत ही बड़ा है देखो, यहाँ से लेके वो परे तक। और ये एंट्रेंस है यहाँ, पीछे से भी है, और ये मेन एंट्रेंस होगा, मेन लग ही रहा है देख के तो। बिल्कुल सर, ये है एंट्रेंस। और यहाँ से जा रहे हैं हम ऊपर ऊपर को, अभी फिर अभी सनसेट भी होगा, वो भी दिखा देंगे आपको। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर धीरे धीरे। हमारे पीछे ऑडिटोरियम है, अब हम इसको बाय बाय करते हैं। और ऊपर है यहाँ पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोठो, और यहाँ पे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भी है, जो दिखाएंगे अभी हम आपको। और ऊपर बच्चे खेल रहे होंगे, वहाँ खेलना थोड़ी देर बैट बॉल। नहीं खेल रहे होंगे तो तब तो खेल लेंगे। हाँ ठीक है खेल लेंगे। देखो सर सामने है, और गाइस ये है सामने आपका राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोठो, जो कि छोटा सा है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, इसलिए छोटा है। कोई सेंस है इस बात? और यहाँ से आप जाओगे ऊपर को, जैसे स्कूटी वाले भैया जा रहे हैं, तो वैसे ही आपको आगे मिलेगा राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोठो। तो चलो अब आपको कोठो के सामने मिलते हैं। हमने आप लोगों को दिखाया प्राइमरी स्कूल कोठो का, और अभी हम दिखाएंगे आपको सीनियर स्कूल। कौन सा सीनियर स्कूल है? सीरियस सीरियस तो तू है। मैं नहीं हूँ सीरियस, तू है तो है। धन्यवाद। तूने सुबह क्या पिया? 11 चीजें, 11 पानी की बोतलें पी गया बंदा सुबह। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठो के पास। अंदर तो नहीं जा सकते, बंद है अभी, पर जा भी सकते हैं। फिर भी जाएंगे हम। चल यहाँ से रास्ता दिख रहा है, जाएंगे जाते हैं ना। चलो चलते हैं। ये ये है मेन गेट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला विद्यालय कोठो का, और यहाँ से सामने से है एक शॉर्टकट रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। चलो भाई जी, ये गेट क्यों बनाया हुआ है भाई? ये क्या सीन है ये? ओ भाई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, भयंकर मजा आ जाएगा। अब तो वॉलीबॉल खेलेंगे हम। देखो ये है आपका कोठो विद्यालय, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वॉलीबॉल, और अभी हम भी खेलेंगे थोड़ी देर, अगर खिलाएंगे पर बॉल इनके पास नहीं भी आके। ग्राउंड देखो कितना बड़ा है यार, काफ़ी सही है ग्राउंड, रूल तो सब बढ़िया है। हम भी खेल ले भाई, चला जा। तो अभी गाइस आ चुके हैं हम खेल कूद के ऑफिस। अरे अब ओ क्या बाबला कुछ
कंडे घुसे, रुक जा बस। तो अभी गाइस हम यहाँ है फोटो ग्राउंड सॉरी कट हो गया स्कूल, और यहाँ पे बंदे मिले हमारे को वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी खेल लें। तो हम भी लग गए थे उनके साथ थोड़ा खेलने, और बहुत खेल लिया और अंधेरा ही हो गया अब, और अब थोड़ी प्यास लग रही है तो पानी ढूंढ रहे हैं। और साहिल हमारे को एक खतरनाक जगह से ले जा रहे हैं भयंकर, इसमें कांटे ही कांटे हैं। अब आया मजा भयानक सर, मेरे को दुनिया दी थे सर्विस खेल रहा था तू तो अभी पानी पीते आ रहा, प्यास लग रही है बहुत। उसके बाद निकलता हूँ मैं अपने रूम, और साहिल अपने रूम। अभी देखो गाइस सनसेट वगैरह सब कुछ हो गया है, वो कितना प्यारा दिख रहा है रेड रेड से पहाड़ों के पीछे। अब तो खैर अभी हमें यहाँ पानी भी मिल चुका है, साहिल भी पानी पी रहे हैं, है नज़ारा है जैसे बंदर भी पीते पानी पी रहा हूँ, पी रहा कुछ और है। वाह ये बावड़ी है यहाँ पे एक छोटी सी क्या है ये देखिए उससे भी प्यारा नजारा पार्टी ताई नहीं राइस में नल का खोलेगा तभी आएगा ना। ओ भाई प्यास लगी है, क्या बात है क्या बात, ऐसा नजारा कहाँ दिखेगा। और बहुत ही सुंदर, लाजवाब, अति सुंदर, मनमोहनम। तो अभी गाइस पानी पिया हमने, अब थोड़ी सी जान प्राणाई है शरीर में, अभी कुछ खाते हैं फिर उसके बाद मैंने रूम जाना है अपने। तो अभी क्या करें, अब चलते हैं थोड़ा आगे फिर, और हैंड पंप का पानी पीते हैं। गाइस अभी हमने नलके का पानी पिया, अब हम पियेंगे हैंड पंप का पाइप। तो आपको मिलता है पाइप पाइप नहीं सारी पानी पिएंगे, अब मिलते हैं आपको हैंडपंप के पास। गाइस पहुंच चुके हैं हम हैंडपंप के पास, अभी मैं मारता हूँ पंप, साहिल भाई पियेंगे अपना पानी। बोले यहाँ का पानी पीऊँगा मैं जब तक, तब तक मेरी प्यास ही नहीं हटती जब तक मैं यहाँ का पानी नहीं पीता। हटी प्यास जब तक यहाँ का पानी ना पियो, हटी प्यास प्यास ही नहीं हटती। हट गया अब मेरी हटी है भाई जी। चलो क्या आपने नहीं पीना? नहीं भाई जी थोड़ा सा, नहीं भाई जी और लग जाएगी आपको फिर। चलो चलो पी देते हैं। बस मेरे को नहीं लगता रहा अच्छा हैंडपंप का पानी, क्योंकि अजीब सा लगता है। कैसा अजीब? खारा खारा पानी है जैसे नमक वाला वैसा नहीं यार। तो गाइस अभी बहुत ही रात हो चुकी है, अभी टाइम आ चुका है कि हम अपने अपने रूम को प्रस्थान करें। तो साहिल भाई अभी अपने कक्ष जा रहे हैं और मैं हम अपने कक्ष को निकलेंगे। तो ठीक है भाई मिलते हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं रहना। कैसे डिप्रेशन में थे जैसे आप? मैं कौन से डिप्रेशन में थे? तो थे संकट में। खुश रहना भाई, जिंदगी के मजे लो, ऐसे क्या सोचते रहना हर किसी के बारे में, कुछ नहीं होता ये, क्यों इंजॉय करो अपना हर एक पल। ठीक है भाई जी। आनी वो शायरी नहीं है, एक शायरी सुना दे साहिल वाली। कौन सी? गम वाली और खुशी वाली सुनाई ले। कहाँ जा रहा है? क्या थी वो? गम है तो हंस पड़े, रोना देते अगर खुशी होती। ये बात क्या बात है, इस बात पे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है फिर मिलते हैं, बाय। ठीक है ठीक है, गुड नाइट। क्या लो? तो गाइस अभी साहिल भाई निकल चुके हैं अपने रूम को, और अभी हम निकल रहे हैं अपने रूम को। मैं आपको नीचे मिलता हूँ सड़क में, यहाँ थोड़ा रोड ख़राब है। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं हम अपनी रोड पे और निकल रहे हैं अपने रूम को। काफ़ी लेट हो चुका है, पहले सुनसान सड़क में मैं अकेला चला हुआ हूँ, हाथ में थोड़ा लग रहा है डर, पर इतना भी नहीं लग रहा है। तो आई होप आप सभी को आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है और साहिल भाई की शायरी आपको पसंद आई है, तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और जिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।
तो बस यही था आज के ब्लॉग में, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय बाय। ना सवेरे रात ना पाए चैन सुन लेना, तुम्हें जाकर भी ना चाहे करे जो मन मानी मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे दे रहना।